Hello everyone, Shraddha here. So today I'm going to talk about one of the most important topic when it comes to interview. And suppose if we are appearing for an interview and we are having some kind of year gaps in our resume, so how we will be explaining it to the recruiter. So this is one of the most important or most I would say that serious problem actually that we normally avoid, or we just go to appear for an interview and we normally face rejections. So आज मैं इस बारे में बताऊँगी कि उसको हम कवर कैसे करें. देखो इसमें तीन चीज़ें आती हैं. पहला है एक्सप्लेन करो why is there some kind of years gap in my resume. उसके बाद होता है rearrange करना. लो first is explain it, then rearrange it and finally close it. So these are the three ways that you can use to explain the gaps of your in your resume, and you should have to have very clear perceptions or say very clear answer based on your year gaps. So if I have completed my engineering say in 2019, so and from 2019 to 2020, if suppose I am not doing anything or I am just idle, so how will I cover this gap? So what I'll do is, suppose if I am going to join any other college or maybe any other job in 2020, so how we'll explain that what I was doing this in 2019 and 2020. So instead of saying that I have a gap of 1 year, we should say that last year I have completed my engineering or whatever degree you have completed. Last year I have completed my degree, so now I am looking for a job. That's okay, that's fine. So it will not look that you have completed your degree in May 2019 and you are appearing for this job in May 2020, so it is 1 year of gap, so it won't count it in this manner. So you should say in 2019, so 2019 will be there till December 2019, and if you are appearing in March, so I think 2 to 3 months are okay, so it's not a big deal. Now suppose if you have a long gap in your resume of say 2 to 3 years or 4 to 5 years, now what you'll do? So इस केस में, ऐसे केसेस में क्या करना होता है, जब हम रिक्रूटर के सामने बैठे हैं, नाउ ही विल बी आस्किंग कि एक्सप्लेन करने को बोलेगा कि इतना गैप क्यों है. वॉट वी कैन डू, पहली बात तो सिर्फ हमें बोलना ही नहीं है, ये चीज़ हमें करनी भी है. अगर आप अभी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो अपने घर में रहकर या मे बी कोचिंग करके, और आपने कोई जॉब ज्वाइन नहीं करी है, कुछ भी वर्क नहीं कर रहे हो, तो आपको क्या करना है कि साथ में कुछ एक ऐसा, एक होता है ए बी टेस्टिंग चलती है कि आप ए प्लान तो लेके चल रहे हो, साथ में आप बी प्लान भी लेके चलो. इन केस ए प्लान फेल्स, यू हैव सम अनदर प्लान और यू हैव समथिंग टू कवर अप दैट ईयर दैट गैप. सो अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर मैं MBA कर रही हूँ, साथ में मैं राइटिंग भी कर, मतलब मैंने जब किया था तो मैं साथ में राइटिंग भी कर रही थी, बुक्स पब्लिश करना ये सब. इन केस अगर MBA में मेरा कॉलेज में सिलेक्शन नहीं होता, मुझे एक दो साल के लिए और वेट करना पड़ता है, मे बी मुझे एग्ज़ाम के लिए फिर से अपीयर करना पड़ता, वॉट आई डू, मैं कह सकती थी कि आई वॉज वर्किंग इन माई ऑथरशिप करियर, और आई एम एन ऑथर, सो आई वॉज वर्किंग इन दैट करियर ओनली. सो मैं ऐसा बोल सकती थी. सो अपना स्किल समझो, जो भी आपका स्किल्स हो, इवन अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो आप XYZ किसी भी कंपनी के लिए कुछ डिज़ाइंस कर सकते हो, और जब भी आप कोई कंपनी ज्वाइन करोगे, यू शुड रिसीव वन ऑफर लेटर, एक वन पेज PDF फाइल हो सकती, कुछ भी हो, आपको एक ऑफिशियल लेटर जरूर होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके वो चीज़ बहुत काम आने वाली है, स्पेशली तब जब आपको अपने गैप ईयर मेंटेन करना है, जब उसको मैनेज करना हो, इतना ना देखें कि हमारे करियर में तो 4 से 5 सालों का गैप है. तो आप जो भी कर रहे हो, इट्स ओके, यू कैन डू दैट वर्क, बट मीन वाइल वॉट यू कैन डू, आप कुछ एक्स्ट्रा वर्क करते चलो, जिससे कि अगर इनकेस आपका गैप ईयर आता है तो वो साथ में कवर हो सके. तो अगर आप सपोज आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कैट की कर रहे हो, गेट की कर रहे हो, किसी और एग्ज़ाम की, RRB वगैरह की कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और आप श्योर नहीं हो कि मतलब अगर मैं तैयारी करता हूँ तो मेरा निकलेगा, या अगर मैं तैयारी करती हूँ मेरा ये एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, इसके साथ में श्योर हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, बट फिर भी श्योरिटी में भी केसेस आते हैं ना, पॉसिबिलिटी रहती है. अगर हम 99% श्योर है, उसमें भी 1% आता है कि मे बी एग्ज़ाम पैटर्न कुछ और हो, या एंड टाइम पे तबीयत ख़राब हो जाना, इस टाइप की कुछ भी रीजंस हो सकते हैं. तो अपन तो हर तरह की पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, है ना. तो जो वो 1% है ना, उसको कवर अप करने के लिए आप कुछ भी साइड से एक्स्ट्रा काम करते चलो. ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कर सकते हो आप,
कुछ कुछ वेबसाइट्स पे लिख सकते हो, किसी के लिए कंटेंट राइटिंग कर सकते हो. कंटेंट राइटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिंपल टास्क दीज डेज बिकॉज नाउ वी हैव गॉट लॉट ऑफ AI टूल्स. जब मैंने 7 से 8 साल पहले करना स्टार्ट किया था तो एक एक वर्ड को रीराइट करना पड़ता था, एक एक सेंटेंस को पढ़ना पड़ता था. बट नाउ वी आर हैविंग लॉट ऑफ टूल्स दैट वी कैन यूज़ एंड वी कैन डू दैट 2 आवर्स ऑफ वर्क विद इन 1 से 5 मिनट और मे बी 10 मिनट. सो इतने प्रोविजन है, सो वी कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस प्रोविजन. सो या आई जस्ट वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दिस. अगर आपके रिज्यूमे में गैप हो तो आप कवर करने के लिए, मतलब कई बार होता है ना कि इवन अगर आप कोरा की प्रोफाइल में अगर आप आंसर्स पोस्ट करते हो, कोरा पे मैनेज कर रहे हो, कोरा पे आपका मोनेटाइजेशन एक्टिव है, सो दिस इज ऑल्सो अ वे टू कवर अप योर गैप. यू कैन से दैट आई एम अ कोरन, आई हैव दिस फॉलोअर्स एंड आई हैव दिस मैनी व्यूज एंड आई यूज टू आंसर ऑन दिस टू. बिकॉज कोरा एक भी एक तरह का प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म आ जाता है जब हम उसमें कुछ काम करते हैं. सपोज अगर आप लिंक्डइन पे आर्टिकल पब्लिश कर रहे हो और आपने किसी कंपनी के लिए अपीयर किया, किसी कंपनी के मे बी एग्ज़ाम के सॉरी एडमिशन के लिए, या तो किसी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए या किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए अगर आपने अप्लाई किया, तो आप बता सकते हो दैट आई एम अ राइटर एंड यू कैन चेक माई आर्टिकल्स ऑन लिंक्डइन एंड देन यू कैन शेयर योर आईडी. सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज दैट वर्क्स, दैट ऑलवेज वर्क. सो या इफ़ यू वॉन्ट टू कवर अप योर गैप्स इन योर रिज्यूमे, सो डू समथिंग एक्स्ट्रा सो दैट इफ इन केस लाइक वो गैप अगर ज़्यादा दिखने लगे या तो ज़्यादा साउंड करे. अगर आप बोल रहे हो 2014 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग कम्प्लीट करी, फिर 2017 में मैंने कुछ और किया, तो वो 3 साल अलग से साउंड करेंगे कि हाँ 14, 15, 16, मतलब 3 से 4 साल जो भी रहेगा वो पूरा अलग से साउंड करेगा कि ये 3 साल में आपने क्या किया. तो उसको कवर करने के लिए यू शुड हैव टू हैव सम एक्स्ट्रा प्लान, यू शुड हैव टू हैव डू सम लाइक आपको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करना चाहिए जिससे कि वो चीज़ें कवर हो जाए. सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू से कवर अप योर गैप्स इन रिज्यूमे. सो यू शुड टेक केयर ऑफ इट. एंड अगर आप एग्ज़ाम की सोच रहे हो, जैसे अभी न्यू ईयर लाइक मार्च तो 3 महीने हो रहे हैं, तो मई जून जुलाई में ऐसी वैकेंसीज आएंगी काफ़ी सारी जिसमें आपका इंटरव्यू होंगे, मे बी कॉलेज में भी वैकेंसीज आ सकती है, तो उसमें वो पूछेंगे, तो उसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए. इवन अगर अभी तक आपने कुछ नहीं किया है तो इन 2-3 महीनों में आप राइटिंग कर सकते हो. स्टोरी मिरर ले लो, storymirror.com ले लो, योर कोट ले लो, कोरा पे लिखने लो, लिंक्डइन पे आर्टिकल पब्लिश कर दो, कुछ भी एक्स्ट्रा करो. आप ऐसा बोल सकते हो आई वॉज फोकसिंग ऑन राइटिंग वर्क और एज आई एम अ राइटर आई राइट फॉर सम मल्टीपल वेबसाइट, सो आई वॉज फोकसिंग ऑन दैट ओनली. सो आप ऐसा कुछ बोल के कवर कर सकते हो. और फिर अगर कुछ डाउट होता है यू कैन आस्क मी. ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडे. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड इफ यू वॉन्ट मी टू कम विद एनी टॉपिक जस्ट लेट मी नो, आई विल बी कवरिंग दैट टॉपिक टू. स्टे ट्यून्ड, बाय.